उसमें दिखाओ, उसमें वेजिटेबल्स दिखे। Hey, good morning everyone. सांस फूल रही है सीढ़ी चढ़ के, पता नहीं मैं थोड़ा सांस फूल जाती है, एक तो मास्क भी पहना रहता है। तो आज हमने अपने डेली रूटीन का काम, एक काम निपटा लिया है, वो है फल सब्जियां दूध ब्रेड, एवरीडे कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। तो ये हो गया, छठा दिन स्टार्ट हो गया है। हमारे घर में मेड नहीं है, मेड गई है अपनी खेती का कुछ काम करने। तो अभी मैंने पूरा डस्टबिन साफ किया है। थोड़ा ही टाइम बीता है और देखिए सुनीता आ गई। अभी अभी डस्टबिन साफ किया भाई, मैंने पहली बार बनाया है होममेड लज़ानिया, देखो कैसा लग रहा है भाई। ओ वाओ मैन, बेक हो रहा है ये, 20 मिनट्स के लिए बेक होगा। रेडी हुआ कि नहीं, ये तो गर्म होगा। वन टू थ्री गो। थोड़ा थोड़ा मेल्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, अभी 10 मिनट और रख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अच्छे से। लज़ानिया इज रेडी। मैंने पहली बार बनाया है, देखिए कैसा बनता है, टेस्ट है कि नहीं, सबको कैसा लग रहा है। 4 स्क्वायर बनाओ उसको। ये देखो मैंने इसमें नमक रखा था, नमक से टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये ऐसे गीला गीला होता है। हाँ, इसको धीरे धीरे कटिंग करो, बहुत स्लो हैंड। किनारे तक अब इधर से चाहो तो घुमा लो। कुछ नीचे ब्रेड है, अच्छे से कट जाए। तो मेरे से भी नहीं निकलना, इसी में खाएं क्या? इसमें दिखाओ, उसमें वेजिटेबल्स दिखे, देख ले क्या? नहीं खाओगे तो बताओ, रख दो। कैसा है एक्सप्रेशन तो दो। ठीक है, कुछ लज़ानिया जैसा तो नहीं लग रहा। वेजिटेबल लज़ानिया टेस्ट करके बताओ कैसा है, फेस का एक्सप्रेशन लेना है। अच्छा बना, मेरे हिसाब से तो एक नंबर है। कौन से ना, सबका स्वाद आ रहा है, जो मजेदार सब्जी। रिएक्शन इधर। It's getting closer to midnight. I tried to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. अभी अच्छी खासी धूप थी और एकदम से तेज बारिश आ गई। देखिए सबके हाल क्या हो गए, बुरे बुरे हाल हो गए। जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, जल्दी 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 जल्दी। छोड़ भाग गई भाभी, उस तरफ से उतार रही है। अब इनको उतारने का कोई फायदा नहीं, आधे ज्यादा भीग गए, लेकिन अभी उतारता नहीं है। अगर भाभी आ रही है उतारने तो मैं भी चला जाऊंगा, नहीं आ पा रही है। सो
सुबह ही सोचा था मैं यार, फोरकास्ट में बता रहे हैं कि 3-4 दिन रेगुलर बारिश पड़ेगी और 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। ये तो यार धोखा है, हमने भट्ठा बंद कर लिया अपना और अब देखो शुरू हो गई बारिश, तेज तेज बारिश। बूंदे दिखाई दे रही है आपको? ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है। हर बदलने वाले पल को परमात्मा की सौगात समझकर बड़े प्रेम से स्वीकार करो। गुरु हमको पिटफॉल दिखाता है तो भी हमारी तबीयत कैसी है, जो पिटफॉल देखकर भी हमको गिरने में मजा आता है। ये है मूर्ख। मैं नहा रहा था अभी और एकदम से मुझे पता नहीं कहां से कीड़ा पॉपअप हुआ और ये यहाँ बैठा हुआ है। क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, कहां से आ गया तू? यहाँ पे ठंडा ठंडा होने पानी पीने आया क्या? पापा ये अगर रिकॉर्ड करोगे पापा। रितु आज बैठी है अपनी ज्वेलरी निकाल के और देख रही है अपनी ज्वेलरीज को और खुश हो रही है, एंजॉय कर रही है अपना टाइम। गुड वन स्माइल, नो स्माइल। चलो ओके बाय, सी यू। बट्टे जा रहे हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर में, करते हैं आज बिलदारों का काम तमाम। आज भराई वालों का सारा काम हो गया है फिनिश, उनका हिसाब करने जा रहा हूँ। मम्मी सो रही होगी, नहीं तो हेलो कर देता। और नहीं तो छोटा, हाँ वो तो कह रहा 99% भैया हम करवा देंगे, इसी 20 से पहले। हाँ 20, आठ या पांच जो भी होना है 20 से पहले होना, 25 तक बीजी बन जाएगी। 20 तक हम लोग को पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो सही किए, प्रोसेस तो करो। अब घर में सब लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और सीरियसली करता हूँ, तो अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे हैं बट ये है कि देख रहे हैं और टोकाटाकी नहीं कर रहे हैं। शुरू में तो बाप रे कितनी टोकाटाकी होती थी, सब मुझे कहते थे अरे ये क्या कर रहा है यार, तुम हटाओ पहले इसको, बंद करो उसको, चालू तो नहीं है। मजा आ रही है, मगर अब सीरियसली अगर कोई आदमी कुछ भी काम में सीरियस हो जाता है ना, फिर उसको धीरे धीरे दुनिया अप्रिशिएट करने लगती है, बट यू हैव टू बी सीरियस फर्स्ट। फ्लाईओवर का काम चल रहा है मिड लखनऊ कानपुर रोड पे इन द मिडल, और करीब करीब 12-13 दिन से, यहाँ पे 15 दिन हो गए होंगे, बहुत ज्यादा 15 दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है। भाई मैंने 15 दिनों में कम से कम नहीं तो 5 या 6 एक्सीडेंट देखे हैं, वो भी बहुत ही बुरी हालत में एक्सीडेंट। पूरी पूरी ट्रक लड़ गई साइड में पेड़ से, पूरी पूरी बस लड़ गई, एक दिन एक जीप लड़ी हुई मिली, मतलब वो आज एक जो है ट्रक शायद दिख रहा हो पीछे की तरफ वहां खड़ा है लड़ा हुआ। भाई ये क्या तरीका है गवर्नमेंट ऑफ परिवहन वालों का काम करने का, भाई समझ। सालों से 30-32 सालों से मैं देख रहा हूँ इस रोड को, 22 साल तो मुझे हो गए इस रोड पे चलते हुए, इसके पहले मेरा ब्रिक फील्ड था वहां पे, उस जगह पे वहां पे, यहाँ से 19 साल पहले लगाया था मैं, पिताजी ने ब्रिक फील्ड वहां पे हमने 19 साल चलाया, फिर यहाँ हमने खरीदा उसी के जस्ट बगल में थोड़ी सी दूरी पे, इसी इस ब्रिक फील्ड के पीछे है, ये जो चिमनी दिख रही है इसके पीछे है। यहाँ पे हमें 22 साल हो गए आज की तारीख में, 22 साल से मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल लगभग। इशरफ जय जयराम, जयराम भैया, ये लो इशरफ जयराम। ला रहा है सूखा कपड़ा है ना, सूखा हट दे दे पूरा गाय की। मस्त एकदम भगवान मजा करे यार, इस समय तो बहुत बुरा हाल है बीमारियों का। हम खुद घर में देख रहे हैं ना अपने भाई के यहाँ,
इससे ज्यादा भराई करते ही नहीं होती है, आपको बता दी बाबूजी। अब नहीं आप काम चलते हुए आप केहू भेज दें पता चलो कितनी भराई हुई है, कितना हो रहा है, 50,000 की भराई हुई है, सारे बर्तन माल खत्म हो जाएगा डेढ़ महीने के अंदर अंदर सब गोलुआ भट्टा है बाबू जी में, भराई अगर 10 लाइन हो गई 12 लाइन हो गई तब इसके आगे बराबर होगी। तो आप तीन बंगाल से काम करते हैं लोग, तीन बंगाल नहीं रहते हैं बाबू जी, हमारे कानपुर में खुद ही इतने बड़े भट्टे में तीन बेलदार हैं, इतने बड़े भट्टे में तीन बेलदार हैं, 55-56 लाख। सारे लेबरों को हिसाब किताब करने के बाद चाय एंड समोसा टूर पार्ट देखेंगे तो मेरे को मार डालेंगे, कहेंगे बस पापा आप चाय समोसा खाने ही वहां जाते हो। ये 43 वाला है कि 87 वाला है? 87 रेट है। मीटू ने जिया ने हम लोग सबको इनवाइट किया हुआ है पार्टी के लिए, तो डिनर एंजॉय करेंगे आज हम लोग सबके साथ, फुल फैमिली गैदरिंग होगी तो वी विल ऑल एंजॉय। हाय बेटा पारस, हेलो जिया, हेलो परी, हेलो पारस। तो ये सिमरन है फ्रॉम आगरा, सिमरन फ्रॉम आगरा, सिमरन फ्रॉम लखनऊ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, नाउ लिव्स इन आगरा, मैरिड इन आगरा। ये हेलो नीटू, हेलो पार्थ, हाय, ये हेलो भैया, यस यस यस, मस्त कलर थीम दिया है यार जिया ने, अच्छा लग रहा है, हम लोग के बचपन का ड्राइंग रूम। जब पहला दिन था ना इस मकान का, तो हन्नी भैया और कानपुर वाले बबलू भैया वो यहाँ रुके थे रात में, वो दिन याद होगा आज। अरे गाड़ियां लोगों की फंस जाती थी एकदम इस रोड पे, रोड नहीं था एकदम गड्ढे थे, ये रोड भी लगाता है, ये गड्ढे था और यहाँ दूर दूर तक खाली प्लॉट था। तो यहाँ सब लोग तैयार हैं हाउसी खेलने के लिए, सबके हाथ में टिकट है, 100-100 रुपए की ईच टिकट है, अब आएगा मजा, सारे पैसे मैं जीत जाऊंगा, सारे पैसे मुझे जीतने हैं, मैं जीतूंगा सारे पैसे, ये रही मेरी टिकट, ये रही गेम नहीं सुनना, सारे पैसे जीतने हैं। भाई मेरा इतना हो गया है, थोड़ा सा बचा है, अरे नहीं 50 रुपए से मैं जीत गई, ये हे भुर्रे, ₹50 खर्ची। इतना अच्छा लगा है, 100 रुपए गिफ्ट दोगे? हाँ। जब कमाऊंगा आपको 100 रुपए गिफ्ट देना, ठीक है, मेरी BMW रेडी रखना। 100 लाख हो गया, ज्यादा 100 रुपए का होगा।